मेरा नाम चेतन वीरानी है और मैंने ये वीरानी टेलीकॉम और वीरानी इंस्टीट्यूट का जो एस्टेब्लिशमेंट किया था 2004 में किया था। सो मैंने सोचा कि इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना चाहिए जिससे जो नॉलेज मेरे पास है वो मैं लोगों को दे सकूं और इस नॉलेज के थ्रू ये इंडस्ट्री ग्रो हो और इंडस्ट्री से हम लोग काफ़ी कुछ आगे लोगों की नॉलेज एक्सपांड करने में और लोगों की इनकम आगे जनरेट करने में और उनकी खुद का बिजनेस सेट करने का जो सपना होता है किसी का वो हम लोग पूरा कर सके। तीन महीने का कोर्स कंप्लीट करने के बाद वीरानी टेलीकॉम में मुझे पिकअप एंड ड्रॉप का जॉब मिला जो हमारे यहाँ पे सबसे लोअर जॉब है। उसके बाद धीरे धीरे पोजीशन बढ़ी मेरी, मैंने मेरा टैलेंट दिखाया, कंपनी ने भी सपोर्ट दिया मुझे, तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके बाद कॉलिंग डिपार्टमेंट में गया, कॉलिंग डिपार्टमेंट के बाद आज सातों ब्रांचेस का हेड मैनेजर हूँ मैं। मैंने 2007 में वीरानी टेलीकॉम ज्वाइन किया और वीरानी टेलीकॉम से कोर्स करने के बाद मैंने वीरानी टेलीकॉम में जॉब ज्वाइन कर लिया। हमारे टेलीकॉम के 7 ब्रांच है, वहाँ का मैं हेड टेक्नीशियन हूँ। ये इंस्टीट्यूट हमने जब स्टार्ट किया तभी हमने एक सेंटर से स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद हमने आज हमारे 7 सेंटर्स एस्टेब्लिशमेंट किए हैं और 7 के 7 सेंटर में हमारे ट्रेनिंग होती है जिसमें मॉर्निंग 8 o'clock से लेके रात को 9 बजे तक का ट्रेनिंग का शेड्यूल है। अलग अलग बैचेस है, 1.5 hour का ट्रेनिंग शेड्यूल होता है जिसमें 2 months हार्डवेयर कोर्स होता है एंड 1 month सॉफ्टवेयर कोर्स होता है। वीरानी टेलीकॉम के पास जो टेक्नोलॉजी है, जो एडवांस टूल्स है, हमने जो मशीनरी मंगाई है वो स्पेशली हमने कोरिया से मंगाई है। ये मशीनरी आपको सुन के नया लगेगा कि हम जो मशीनरी हमारे पास अवेलेबल है और ऑल ओवर इंडिया में किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये मशीनरी जो काम आती है, ये मशीन हम जो आज की डेट के नए लेटेस्ट फ़ोन हैं उसको हम ओपन करने के लिए यूज़ होता है। विदाउट रिस्क फैक्टर वो फ़ोन ओपन हो जाते इजीली। जब मैंने ज्वाइन किया था वीरानी टेलीकॉम तभी 7 से 8 लोगों का स्टाफ था और आज की तारीख में यहाँ पर 50 अबव स्टाफ है। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो टीम वर्क है, मशीनरी है, वहाँ बाकी जगह से बेटर है। आज बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वीरानी टेलीकॉम में सेटिस्फाई भी है कोर्स करने के बाद और अच्छे स्टेज पे भी है। जैसे कि हमारे स्टूडेंट इंडिया में ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया के ही भी काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे इंडिया में मुंबई में आए और उन्होंने स्पेशली वीरानी टेलीकॉम को ही सिलेक्ट किया और हमारे वहाँ पे कोर्स करने के बाद वापस उस कंट्री में जाके, जैसे USA हुआ, कनाडा हुआ, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये सब जगह पे हमारे स्टूडेंट है जो वेल सेट है। जो ये टेक्नोलॉजी है आज के लेवल पे कोई इतना डीपली इस टेक्नोलॉजी पे नहीं जाता और ये टेक्नोलॉजी के थ्रू काम नहीं करता। वीरानी टेलीकॉम का विज़न है कि वीरानी टेलीकॉम इस टेक्नोलॉजी के थ्रू और भी आगे एडवांस टेक्नोलॉजी लाए और भी आगे एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू स्टूडेंट को गाइडलाइन दे और स्टूडेंट को कुछ नया सीखने मिले, वैसी मशीनरी हम और भी इम्पोर्ट करेंगे।